दुश्मन कैसारा, याद करा वो दिन जब तुम हमका दूसरा दुश्मन को बचाया, ओका बचा के तुम हमका साथ दुश्मनी निभाया। अब कैसा रहा हा? अब चाकालपति तुमका ऐसा मजा चखाएगा, ऐसा मजा चखाएगा, ये सबक तुमका जिंदगी भर याद रहेगा। हाँ, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। चाकाल, तेरे इन चीजों को तो मैं मजा चखा दूंगा। इससे तो हमका हिसाब चुकाना है, दुश्मन जाने ना पाए, गिरफ्तार कर लो। आज मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता शाकाल। चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी, नौगढ़ विजयगढ़ में थी तपरा, नौगढ़ कथा जो राजकुमार चंद्रकांता से करता प्यार, चंद्रकांता से करता था प्यार। तुम सबके प्यार और जज्बात को महसूस कर सकता हूं मैं, मेरा दिल मेरी आत्मा तुम्हारे अकूत प्यार की कायल है बन्ना। लेकिन पंडित जी, हमारे प्यार का प्रतिफल क्या है? हाँ पंडित जी, आप अपने प्रायश्चित को तरजीह दे रहे हैं और महाराज अपने कानून को। आपने उनसे सजा मांगी और उन्होंने आपको सजा दे भी दी, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि इस सजा को भुगत रहे हम और चुनारगढ़ के लोग। कानून कानून होता है पन्ना, महाराज के फैसले को जज्बाती चुनौती देने की बेअदबी मत करो पन्ना। मेरी आत्मा तो महाराज के फैसले का कोई पूछ नहीं है, अगर कुछ है तो सिर्फ एक अफसोस से बंधा। वो क्या है पंडित जी? जलावतनी यानी देश निकालने के बाद मैं चुनारगढ़ की पवित्र धरती, इस सरजमीन को जीते जी देख नहीं पाऊंगा पन्ना।
बरसों पहले मैंने अपना घर छोड़ दिया था और यहां चला आया था, सब कुछ छोड़कर यहां आया था। यहां आने के बाद इतना कुछ मिला, इतना अपनापन मिला कि मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि चुनारगढ़ मेरा नहीं है, मेरा अपना नहीं है। चुनारगढ़ में महाराज से मुझे विश्वास और सम्मान मिला, महारानी से मुझे आस्था और यकीन मिला। पन्ना कैसी आस्था और कैसा यकीन? महारानी को ना ही कभी आप पर कोई आस्था थी और ना ही कोई यकीन। उन्हीं के धोबे इल्जाम ने आपको बदरीब करा दिया है पंडित जी। पन्ना अपने आप को काबू में रखो। पन्ना महारानी के खिलाफ मैं एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। माफ कीजिएगा पंडित जी, मैं अपने जज्बात की रो में भर गया। मेरे जज्बात की गहराई और ताकत के सैलाब को कोई बवंडर कोई भी भूचाल नहीं रोक सकता। मेरी अमित भावनाओं की ताकत के बांध को बड़ी से बड़ी कोई घटना नहीं हिला सकती। पन्ना महाराज और महारानी से मेरे अटूट प्यार को मैं कभी नहीं भूल सकता। और साथ ही दोस्ती का जो भी मयार मुझे हासिल हुआ है वो बद्रीनाथ जैसे मरहूम दोस्त की दोस्ती का सरमाया है मेरे लिए, जिसे आज भी उसका भाई सोमनाथ अपनी जगह निभा रहा है। मैं उसे कभी नहीं भुला सकता। पन्ना चुनारगढ़ में अपने इस आखिरी वक्त भी मैं अपने आप को खुशनसीब महसूस कर रहा हूं। लेकिन क्या पंडित जी, मेरी बदनसीबी है पन्ना, मेरी बदनसीबी है कि जलावतनी में मरने के सबब से आखिरी वक्त में मुझे अपने वतन की मिट्टी, अपने वतन की गोद नसीब नहीं होगी। बेवतन होकर मरने के दर्द को सहते हुए मेरी आखिरी सांस भी चुनारगढ़ के लिए तरसती रहेगी, चुनारगढ़ के लिए तरसती रहेगी। पंडित जी, पंडित जी बस नहीं, पंडित जी नहीं, अपने आप को काबू में रखो। इस बेपना तकलीफ के बीच भी राहत और खुशी का एक छोटा सा जर्रा मौजूद है। वो क्या पंडित जी? मेरे ये कटे हुए बाजू मेरे इन कटे हुए बाजुओं को चुनारगढ़ की मिट्टी छू सकना नसीब होगा। मैं बद नसीब हूं तो क्या हुआ पन्ना? मेरे बाजू तो खुश नसीब है। मैं शुक्रगुजार हूं महाराज का, मैं शुक्रगुजार हूं महाराज और महारानी का। पन्ना पंडित जी आप धन्य हैं, आप धन्य हैं पंडित जी। ताकत हमका गिरफ्तार नहीं कर सकती है। शाकालपति ने तुमका गिरफ्तार कर लिया, देखा ना, गिरफ्तार कर लिया। अब हम तुमका बहुत भयानक सजा देंगे। हाँ, बहुत मजा आएगा। शाकाल जाल में फंसा कर बंदी बनाना कायर और धोखेबाजों का काम है। अगर हिम्मत है तो मैदान में हमने सामने आ जा, अगर फैसला हो जाएगा। फैसला तो हो गया, तुमका गिरफ्तारी हुआ। अब शाकालपति तुमसे गिन गिन कर बदले लेगा, गिन गिन कर बदले लेगा।
तुम हमका उस चिरैया से ब्याह होने नहीं दिया। हमका दमदमी माई ने उस चिरैया के आशिक का चूहा बनाया, तुमों का फिर चूहा से आदमी बनाया, ओका बचाए के हमका चिरैया का लेके भागा। तुम हमका सब कुछ तहस नहस किया, सब कुछ तहस नहस किया। अब हम तुमका जिंदगी तहस तहस कर देगा, तुमका मौत देगा। मुझे मौत की परवाह नहीं है शगाल, मुझे वह परवाह है वो चिंता है उसे वक्त की, वक्त की। हाँ, बहुत जरूरी मकसद के लिए निकला हूं शगाल, मुझे किसी का कर्ज चुकाना है, मुझे किसी का हिसाब चुकाना है, किसी का कर्ज चुकाना है। अरे हमका कर्ज कब चुकाएगा? तू अपना हिसाब किताब चुका ले शगाल, मुझे सिर्फ 12 घंटों के लिए छोड़ दे, सिर्फ 12 घंटों के लिए। मैं तुझसे वादा करता हूँ, अपना मकसद पूरा होने के बाद मैं अपने आप को तेरे हवाले कर दूंगा शगाल, मुझे सिर्फ 12 घंटों के लिए छोड़ दे। तुमने कहा शगालपति का फुलू फुलू समझ रखा है, जो हम तुम पर विश्वास करेगा? मुझ पर विश्वास कर शगाल, मुझे सिर्फ 12 घंटों के लिए छोड़ दे। 12 घंटे का मोहलत नहीं, शगालपति तुमका सिर्फ मौत देगा। ले चला इसका शगाल, मुझ पर विश्वास कर, मेरी बात मान, मुझे 12 घंटों का वक्त दे दे। वक्त चाहिए जिंदगी के लिए, वक्त नहीं, अब तो तुझे मौत का वक्त मिल सकता है। वक्त ले चलो इसका घसी के, मुझे पंडित जगन्नाथ को दी गई प्रतिज्ञा को पूरी कर सकूं, उनको बेगुनाह साबित कर सकूं। देवी माँ, तुम्हार कोठार में महाराज हमें और चिनारगढ़ को आपकी दया की जरूरत है। महाराज दया, पंडित जगन्नाथ को दया कीजिए महाराज, महाराज मेहरबानी, महाराज मेहरबानी, महाराज महाराज मेहरबानी, महाराज मेहरबानी। महाराज हमें आपके रहमो करम की जरूरत है। महाराज पंडित जगन्नाथ की वफादारी बेमिसाल है, पंडित जगन्नाथ ने अपने खून से अच्छाई और सच्चाई की नींव को सींचा है, इसमें शिव तत्व को भी कोई शक नहीं। महाराज पंडित जगन्नाथ जी की ईमानदारी और उनकी वतन परस्ती पर कोई भी सवालिया उंगली नहीं उठाई जा सकती, ये भी शिव तत्व को मालूम है। महाराज चुनारगढ़ और आपकी खातिर पंडित जगन्नाथ ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर विपत्ति और साजिशी तूफानों का अकेले ही मुकाबला किया है, ये भी शिव तत्व को मालूम है। इसलिए महाराज हम पंडित जगन्नाथ के बेमिसाल कारनामों का वास्ता देकर आपसे उनके लिए भीख मांगने आए हैं, उनकी सजा रद्द करने की पुकार लेकर आए। महाराज महाराज पंडित जगन्नाथ महाराज, महाराज मेहरबानी, महाराज मेहरबानी, महाराज मेहरबानी, सजा रद्द करने की पुकार तुम इस सजा याफ्ता के लिए कर रहे हो जो खुद अपने जुर्म को कबूल करता है, बार बार पुकार रहे हो उसके लिए जो बार बार अपने जुर्म को तस्लीम करने की जिद करता है। गुरुदास के लिए क्षमा चाहता हूं महाराज, लेकिन हमें और चिनारगढ़ को पंडित जगन्नाथ की बेहद जरूरत है। शिव तत्व ये जानता है कि पंडित जगन्नाथ चिनारगढ़ का मंत्री है, आला वजीर है, लेकिन उसे मुजरिम करार दिया जा चुका है। महाराज आप तो चिनारगढ़ के महाराज हैं, आपके इख्तियार में सब कुछ है महाराज, आप उन्हें क्षमा कर सकते हैं। क्षमा किस बात की बिना पर? सभासदों किस बिना पर, किस आधार पर? महाराज दुहाई है महाराज, बहन के बिना पर दुहाई है महाराज, दुहाई है महाराज, दया के आधार पर। महाराज आपके इस फैसले पर तो चुनारगढ़ यतीम हो जाएगा। तो क्या शिव तत्व इकबालिया बयान देने वाले जुर्मशुदा मुल्जिम की जिद को मंजूर कर लिया? चुनारगढ़ की महारानी के आक्षेपों और सबूतों को नजरअंदाज कर दे,
आप ही बताइए चुनारगढ़ के सभासदों, आप ही बताइए कि शिवदत्त का कानून क्या करे, क्या करे शिवदत्त का कानून। हमारा निवेदन है महाराज। महाराज हमारी आपसे दरखास्त है, बस इतनी कृपा कीजिए महाराज कि आप पंडित जगन्नाथ की सजा रद्द कर दीजिए। नहीं, अगर शिवदत्त ने यह सजा रद्द कर दी तो चुनारगढ़ के फैसलों पर से दुनिया का एतबार उठ जाएगा। शिवदत्त को यह मंजूर नहीं, इसलिए जो सजा पंडित जगन्नाथ को दी गई है वही सजा कायम रहेगी। इस सभा में वो हरेक जो पंडित जगन्नाथ का शुभचिंतक होने की दुहाई दे रहा है, उस हरेक को शिवदत्त ये कहना चाहेगा कि शिवदत्त भी पंडित जगन्नाथ का उतना ही शुभचिंतक है जितना कि तुम हो। अगर तुम में से किसी एक ने भी शिवदत्त को यह पूछने की जरूरत की कि शिवदत्त ने पंडित जगन्नाथ के लिए ऐसी फौलादी सजा क्यों मुकर्रर की है, तो शिवदत्त का यही जवाब है। सुना तुमने, शिवदत्त का यह जवाब है कि पंडित जगन्नाथ को शिवदत्त तुम सबसे कम प्यार नहीं करता, लेकिन शिवदत्त चुनारगढ़ को और चुनारगढ़ के कानून को पंडित जगन्नाथ से ज्यादा प्यार करता है। सभा बर्खास्त। दमदमी माई, ओ दमदमी माई, किसने पुकारा? हमका नाम शाकाल पते। अब कौनो जरूरत पड़ा? हमका तुम्हार कोठार में वो मुजरिम लेके आया माई जिसने तुमका बेइज्जत किया। आंखें खोलो माई। ये तो वही दुश्मन बैरी है जो उस दिन हमारे कुठार पर आकर हमारे खुशामद के बदले हम पर हमला किया था। दमदमी माई इसको सजा देगा, ऐसा सजा देगा कि ये मौत के लिए गिड़गिड़ाएगा और मौत इसके पास आने से गिड़गिड़ाएगी। बहुत मजा आएगा। बैरी बोल, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? दमदमी, तेरे जैसी डायन किसी के साथ क्या अच्छा सलूक करेगी? तेरे शैतानी दिमाग के फितूर से जो बन पड़े कर ले। पैरी, तो फिर अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। तुम मेंढकी गिरगिटी, दमदमी माई, इसकी मौत की जश्न की तैयारी करो।